हेलो दोस्तों, रेबल चाणक्य के आज इस नए वीडियो में हम यूएवी सीरीज़ का एक और वीडियो देखेंगे, जिसमें हम पाकिस्तान आर्मी के यूएवीज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि यूएवीज जो हैं वो एक अनमैंड एरियल व्हीकल होता है, जिसको हम कमर्शियल या मिलिट्री यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि वो यूएवीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं। तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने यूएवीज़ को 1995 के आसपास अपनी फोर्सेस में शामिल करना शुरू किया था, जिसमें उन्होंने ASN-105 एंड ASN-206 यूएवीज़ के साथ अपना यूएवी फ्लीट को बनाना शुरू किया था। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने उसके बाद अपना यूएवी प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें वो चाहते थे कि वो अपने खुद के यूएवीज को बनाएं। जबकि न्यूज़ में और जानकारी ये आसपास से पता लगती थी कि वो चाइना के साथ मिलकर इन यूएवीज को डेवलप कर रहा है, जिसके अंदर उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनीज के थ्रू कई सारे यूएवीज अपने देश के अंदर बनाए। और अंत में सबसे आधुनिक उन्होंने जो यूएवी बनाया है, जिसको हम एक यू कैप भी कहते हैं, वो बनाया, जिसका नाम बराक है। तो दोस्तों, अब हम एक एक करके देखेंगे इन सभी यूएवीज के बारे में। सबसे पहले जासूस 1 एंड जासूस 2 सीरीज़, जो कि पाकिस्तान ने खुद अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए बनाई है। इसकी रेंज जासूस 1 वर्जन जो था उसकी 80 किलोमीटर थी और वर्जन 2 की 150 किलोमीटर थी तकरीबन। और इनका जो एंड्योरेंस, यानी कि जो हवा में उड़ने का समय है, वो 4 से 6 घंटे के बीच में है। ये 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकते हैं और वर्जन 1 तकरीबन 20 किलोग्राम का वेट उठा सकता था और वर्जन 2 जो है वो अप टू 30 किलोग्राम वज़न उठा सकता था। इन दोनों यूएवीज़ का एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसका इस्तेमाल जो है वो रेकॉनिसेंस, यानी कि दुश्मन के इलाके में जानकारी हासिल करना, जो कि फ़ोटोग्राफ्स के द्वारा किया जाता था। तो ये यूएवी दुश्मन के इलाके में जाकर फ़ोटोग्राफ्स खींच के वापस आते हैं और फिर वही फ़ोटोग्राफ्स को फौजें देखकर आगे का डिसीजन लेती हैं। अगला यूएवी पाकिस्तान के पास है, वो चाइना द्वारा दिया गया था, ASN-105 और ASN-206 सीरीज़, जिसकी रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में कही जाती है और इसका एंड्योरेंस तकरीबन 6 से 8 घंटे के बीच में है। ये तकरीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है और मैक्सिमम 50 किलोग्राम का वेट लेकर दुश्मन के इलाके में जा सकता है, जिसके लिए वो खाली सर्वेलेंस करता है और उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेकर वापस आता है, जैसे कि जासूस 1 और 2 करते थे। अगला यूएवी है सीकर, जो कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से लिया था, जिसकी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर है और इसकी एंड्योरेंस, यानी हवा में उड़ने की क्षमता भी तकरीबन 6 घंटे के आसपास है। ये 104 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ता है, 50 किलोमीटर तक का वेट लेकर कैरी कर सकता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये रियल टाइम, यानी कि जैसे ही ये उड़ रहा होता है, साथ ही साथ दुश्मन के इलाके की उसी टाइम की लाइव पिक्चर्स और वीडियोस को अपने ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में भेज सकता है। दूसरी खूबी इसकी ये है कि ये दिन में साथ ही साथ रात में भी उड़ने की क्षमता रखता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये किसी और फाइटर एयरक्राफ्ट को या कोई और मिज़ाइल सिस्टम को टारगेट के बारे में गाइड कर सकता है, जिसे हम टेक्निकली बोलते हैं टारगेट डेजिग्नेशन का काम करना। अगला जो यूएवी है, जो कि पाकिस्तान के अंदर खुद उनकी ही पब्लिक प्राइवेट कंपनीज ने ही बनाया है, जिसका नाम है यू काब, जो कि 150 किलोमीटर की रेंज रखता है और 4 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। ये तकरीबन 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है और तकरीबन 20 किलोग्राम का वेट लेकर उड़ सकता है। ये भी सीकर की तरह लाइव वीडियो और पिक्चर्स को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में भेज सकता है, डे और नाइट के टाइम पर फ्लाइंग कर सकता है और टारगेट को डेजिग्नेट कर सकता है, यानी कि किसी और एयरक्राफ्ट को या मिसाइल सिस्टम को टारगेट के बारे में गाइडेंस
दे सकता है। अगला यूएवी है हुमा, जो कि पाकिस्तान ने खुद बनाया है। इसकी रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर है, यूकाप से कम है, लेकिन ये 4 घंटे के आसपास हवा में उड़ सकता है। इसकी स्पीड जो है वो यूकाप से ज़्यादा है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास, और ये 20 से 25 किलोग्राम का वज़न उठा सकता है। ये भी रियल टाइम दुश्मन के इलाके में सर्वेलेंस कर सकता है और उसकी लाइव पिक्चर्स ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में दिन या रात के टाइम पर दे सकता है। इसमें भी टारगेट के ऊपर डेजिग्नेट करने की फैसिलिटी मौजूद है, जो कि मिसाइल्स या किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को मदद कर सकते हैं टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में। अगला यूएवी है जो कि सबसे आधुनिक और लेटेस्ट यूएवी कहा जाता है आज की डेट में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के पास, जिसका नाम है बुराक, और ये एक यू कैब कैटेगरी में आता है, जिसको हम कहते हैं अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। ये पाकिस्तान के अंदर ही बना है उनकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, और कहा जाता है कि चाइना से भी इसकी मदद ली गई है इसको डेवलप करने के लिए। ये जो यूकैब है इसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है बाकी सभी यूएवी से, और इसका जो उड़ने की क्षमता है वो तकरीबन 6 घंटे की है। ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है, जो कि माना जाता है कि काफ़ी अच्छी स्पीड है एक यूएवी के मद्देनज़र रखते हुए। इसका पेलोड जो है वो कहा जाता है कि 30 से 40 किलोग्राम के आसपास है, बट माना जाता है कि अब इसको और अपग्रेड कर दिया गया है और इसके अंदर 4 मिसाइल्स के आसपास कैरी की जा सकती हैं। इसके अलावा इसके अंदर बाकी सभी यूएवीज की तरह खूबियां हैं, जैसे कि ये रियल टाइम सर्वेलेंस कर सकता है लाइव पिक्चर्स देने के लिए, टारगेट्स को डेजिग्नेट कर सकता है और खुद भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है मिसाइल या बॉम्ब गिरा के। इस यू कैब यानी कि बुराक का इस्तेमाल पाकिस्तान आर्मी ने ऑलरेडी किया हुआ है 2014 या 15 के बाद से अपने काउंटर इंसर्जेंसी ऑप्स के लिए, जिसके अंदर उन्होंने कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें रेबल चाणक्य चैनल को। जय हिंद।